खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सांसद वहाँ क्यों नहीं बोलते? हिंदू होना गुलामी की निशानी है, हिंदू त्योहारों को मनाना गुलामी के पेड़ को सींचना है, इसलिए हमें बहुत जल्दी इनके देवी देवताओं को निकाल के फेंक देना चाहिए और भारत के संविधान को मानते हुए हमें तरक्की के रास्ते पे चलना चाहिए। सांसद यहाँ होने चाहिए थे, वो नाकाम, वो नकारा, वो नीच, वो निकम्मे लोग, वो चमचे लोग आज यहाँ नहीं है, परंतु ये कौम तुम्हें भी सबक सिखाने का काम करेगी। हम ऐसा काम करेंगे बहुजन समाज के लोग कि तुम हमारी बात ना करने वाले आरक्षित सीटों से जीत कर जाने वाले लोग संसद का मुंह नहीं देख पाओगे। संसद में हम ऐसे ही लोगों को भेजेंगे केवल जो हमारे मान सम्मान, हमारे गुरुओं के मान सम्मान, हमारे महिलाओं के मान सम्मान, हमारे समाज के हक और अधिकार की बात करेंगे। केवल उन्हीं सांसदों विधायकों को चुन करके हमारे बहुजन समाज के लोग भेजेंगे। हमें मान्यवर साहब काशी राम ने जो वाहन दिया था, उस गाड़ी के पहिए निकाल के ले गए चोर और ड्राइविंग सीट पे मिश्रा जी बैठ गए। गाड़ी किधर जाएगी भैया? गाड़ी किधर जाएगी? जिधर ड्राइवर लेके जाएगा। ड्राइवर कौन है? मिश्रा किधर ले जाएगा गाड़ी को? वो गाड़ी को डुबो देगा ले जा करके। तो इस डूबते जहाज के बाहर आना है और अपने समाज के हक और अधिकार और संत के सम्मान के लिए जो आज यहाँ नहीं है, उन सब का साथ हमें छोड़ देना है। उन सब का साथ हम छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। जो हमारे संतों के सम्मान में आज यहाँ नहीं खड़ा है, जो सांसद विधायक एमपी एमएलए जो पार्टी जो लोग हमारे उसकी बात करते हैं, जो हमारे हक अधिकार और वोट पाने के अधिकार बात करते हैं, आज उनको शर्म आनी चाहिए। सब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। तुम कहाँ हो महादेव? तुम कहाँ हो महोदया? तुम्हें समाज देखना चाहता है कि तुम सड़कों पे कब आओगे, समाज के हक और अधिकार और महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ने कब आओगे? हम है मैदान में और हमारी ये पूरी कौम है मैदान में। मोदी जी चुनौती है तुम्हें, मौन भागवत चुनौती है तुम्हें। तुम आरक्षण को हाथ लगा के देखो और आइंदा तुम संत रविदास के चित्र को भी हाथ लगा के देखो। हम गर्दन कटा देंगे परंतु संत और महापुरुषों का अपमान नहीं रहेगा। ये गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से हम अपने गुरु के धाम पे जा रहे थे। हम बहुत भारी तादाद में, बहुत संख्या में हम लोग थे वहाँ पे और हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, हम किसी को कोई बगैर नुकसान किए हुए आराम से हम जा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने बड़ी तादाद में वहाँ पे फोर्स का वो इनका सामना कराया और वहाँ पे हमारे जब आगे जाके बैरिकेड लगा दिए। जब हमने कहा कि हम शांतिपूर्वक अपने गुरु के धाम पर जा करके पूजा अर्चना करना चाहते हैं, हम वहाँ पे नमन करना चाहते हैं अपने गुरु को, तो इन्होंने इनको वो भी गवारा नहीं गुजरा और इन लोगों ने वहाँ पर हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। वहाँ हमारी माता बहनों को चोटें आई और हमें भी वहाँ पे खदेड़ करके इन लोगों ने भगाया, हमने गिरफ्तारियाँ दी और वहाँ पर इन लोगों ने जो है अपनी हदें पार कर दी। इस तरह का व्यवहार सरकार का ये हम सहन नहीं करेंगे और उस दिन से ही हम अपने आज के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। रावण केवल जो मनुवादी तीन तरीके से कमा रहा है इस देश के अंदर, इसके तीन ही काम है, भगवान, भक्ति और ये डर। ये तीन चीज इसने ले रखी है और ये तीन चीजों से हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। हमारा आदमी पढ़ लिख के चला जाता है लेकिन फिर भी इनकी गुलामी करता है। एक पांचवी पास पंडित के जाके पूछता है कि मैं शादी कब करूंगा? अरे शादी करनी है अपने अपनी सुविधा के अनुसार दिन देख। लेकिन हमारे लोगों को भी इनकी मानसिक गुलामी पसंद है। लेकिन अब जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे इनके देवी देवताओं को तब तक बाहर नहीं फेंकेंगे। लेकिन अब हम बड़ी तादाद में इस विषय पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में
में हम बहुत जल्दी इनके 33 करोड़ देवी देवताओं को ना हम सारी महिलाएं मिलकर के घर से बाहर फेंकेंगे और अपने महापुरुषों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ऐसे महापुरुषों को अपने घर में स्थापित करेंगे और उनकी विचारधारा पे अपने समाज को चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि उन्हें अपने समाज में जो जागरूक पुरुष हैं और जो जागरूक महिलाएं हैं उनकी बात को मानते हुए इनकी मनुवादिता, इनकी रूढ़िवादिता, इन बातों को छोड़ करके और जो कृष्ण है, राम है, ये तो सब काल्पनिक है, ये तो कभी हुआ ही नहीं। और जैसे कि हमारे गुरु हैं रविदास जी, उनका प्रमाण है, वो हमारे जो 600 साल पहले जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर आए थे और सिकंदर लोधी ने वो जमीन जैसे वो वहाँ पे दी थी, तो हमारे महापुरुषों के प्रमाण है। इनके तो सारी कहानियां मनगढ़ंत है, इनकी कहानियां ये तो आए दिन नई नई कहानियां बनाते हैं, इनके हर रोज नए देवी देवता पैदा हो जाते हैं। तो ये हमारे समाज की महिलाओं को जानना होगा और हम इसी उसको काम को करने में लगे हुए हैं। अपनी महिलाओं को बड़ी तादाद में घर घर जाकर समझाने का काम कर रहे हैं और अपने संतों और महापुरुषों की बात को मानते हुए, बाबा साहब की बात को मानते हुए, उनके कर्ज को उतारते हुए, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, अदरवाइज तो आज तक महिलाओं के लिए किसी ने काम ही नहीं किया। सबने महिलाओं को गुलामी में रखा है, गुलामी की ऐसी जंजीरों में रखा है कि गुलाम एक लड़की कभी भी अपने लिए नहीं जीती है, वो पहले बाप के लिए जीती है, भाइयों के लिए जीती है, फिर पति के लिए जीती है, फिर बच्चों के लिए जीती है और वो फिर एक दिन मर जाती है। लेकिन अब ये महिला को भी सोचना होगा कि हमें समाज में हमारा भी कोई दायित्व है, हमें बाबा साहब ने ये अधिकार दिए हैं तो हमें इनके तहत हम समाज को जगाना है। और मैं ये काम अपने, क्योंकि हमारे ये जो जितने भी ऋग्वेद हैं, ये सारे वेद हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। अगर हमारे वो शिक्षा की बात आती है, इनके जो वेद हैं, पुराण है, रामायण है, गीता है, ये सब मनगढ़ंत है, इनके अंदर कुछ नहीं रखा है। जितना इनको पढ़ोगे उतना ही हमारा दिमाग खराब होगा और हम रूढ़िवादिता की तरफ जाएंगे। अब तो हमारे महापुरुष ने हमें देश का संविधान दे दिया, हमें देश के संविधान को मानते हुए अपने आगे के रास्ते को तय करना है, पीछे की बातों को सबको छोड़ देना है और रूढ़िवादिताओं को बिल्कुल छोड़ देना है। इनसे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और हमारी जो महिलाएं इनको गले में लगाए बैठी हैं, उनको कहीं ना कहीं जानकारी नहीं है या फिर हम वहाँ तक उन तक पहुँच नहीं पाए। ये हमारी भी कमी है कि हम उन तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आगे भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि भारी तादाद में हम उनको भी ये बताने का काम करें। कोशिश है, यहाँ कुछ नहीं है, हिंदू देव देवताओं को बाहर फेंकें और स्वस्थ भारत बनाए, सबको अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का और बाबा साहब के उस पे चले। राजकुमार जी कह रहे हैं कि हम इनके देवी देवताओं को बाहर करेंगे, क्या आप लोग भी करेंगे? हम इनके साथ हैं, हम बिल्कुल इनके साथ हैं और इस काम में हम इनका साथ देंगे, इस काम में हम इनका साथ देंगे। एक बात कहना चाहूंगी, हिंदू होना गुलामी की निशानी है, हिंदू त्योहारों को मनाना गुलामी के पेट को सींचना है, इसलिए हमें बहुत जल्दी इनके देवी देवताओं को निकाल के फेंक देना चाहिए और भारत के संविधान को मानते हुए हमें तरक्की के रास्ते पे चलना चाहिए। मैं बताऊं चंद्रशेखर की बताऊं, अरे यार मांगे थे